हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। अग्रसेन के जोधपुर स्थित आवास पर छापेमारी जारी है। मंडोर में मौजूद उनके मकान में शुक्रवार सवेरे से सीबीआई के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी रेड डाल चुकी है। अभी ये साफ नहीं है कि उर्वरक घोटाला केस में ही छापेमारी की जा रही है या फिर अन्य किसी मामले में सीबीआई यहां तक पहुंची है। अग्रसेन गहलोत पर यूपीए सरकार के दौरान 2007 से 2009 के बीच सब्सिडी वाले उर्वरक को निर्यात करने का आरोप है। किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले म्यूरिएट ऑफ पोटाश को विदेश में निर्यात करने पर कस्टम डिपार्टमेंट ने उन पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ईडी भी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पिछले साल सितंबर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ भी की गई थी। ये छापेमारी ऐसे समय पर चल रही है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बेहद उत्साहित हैं और इन दिनों दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।